तो आप करने वहां क्या गए थे? अरे यार वो हमारी पुरानी सेटिंग थी, आ गई बड़ा मटक के डांस कर रही थी यार, उसका करके दिखाएं यार। फिर चाची तो नहीं बुला के खड़ा कर दिया यूं खिलवा? चाची नहीं है। पक्का? नहीं नहीं। स्वागत करता हूं आपके अपने शो बीसी सेंटर में, और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान एक रिटायर्ड चचा आए हुए हैं जो कि बिजली विभाग में नौकरी करते थे पहले ही। चचा जी, सबसे पहले आपका नाम मैं पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम झटका लाल है। झटका लाल? हाँ। तो चचा जी, ये झटका लाल नाम के पीछे कोई कहानी है क्या? झटका नाम कि हम जब छोटे थे तो बेटा यार हीटर मम्मी जला के रखे थी, और यार हम खेलते खेलते उसमें जाकर उंगली कर दी। अच्छा, उसमें झटका लग गया। उंगली जब कर दी तो धार से झटका लगा, तब से झटका नाम। और देखो नौकरी बिजली विभाग में मिल गई तो झटका 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 ही लाल। हाँ, अम्मा के लाल झटका लाल। यही तो थोड़ा जरा किस्से कहानी बताइए जरा आपने जरा। हाँ बेटा, बिजली विभाग में बस यही मानो कि अगर किसी को अकल है तो उसके पास पैसा ही पैसा, और उसको अकल नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास अकल थी, जितना हमने 43 रुपया नहीं कमाया होता तो साला हमने लैमारिस कमा ली बिजली विभाग में। अच्छा। हाँ, क्या काम करते थे बिजली विभाग में वैसे? लाइन मैन का काम था। अच्छा, लाइन मैन का काम भी कनेक्ट? मेन लाइन का काम। अच्छा, मेन लाइन। भैया आप लोग भी जरा वीडियो को जरा लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। जब से आप रिटायर हुए हैं मोहल्ले में लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने बंद कर दिया, यानी कि आप सैटेलाइट हो गए, पूरे मोहल्ले पे आपकी नजर रहती है। हाँ, काम ही क्या रह गया, मोहल्ले में बैठ रहे हैं चार बुड्ढे तो क्या जरूरी है कैमरे लगाने का। मैं देख रहा हूँ सबकी खबर है आपको। बिल्कुल, जब काम ही नहीं है कुछ तो यही काम कर ले, सबकी खबर ही रख ले, कौन लौंडा कौन लौंडी एक संग बातचीत कर रहा है, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा, वहां निपटवाने भी आप चले जा रहे हैं। अब बात बेटा ये आ जाती है कि अगर हम सामने बैठे हैं और झगड़ा हो ही रहा है तो यार उसको निपटाना मेरा फर्ज बनता है। अगर नहीं भी जा रहे तो भी गरी आते कि बुड्ढा सामने बैठा रहा, हम लोग में लड़ाई हो रही थी, बताओ बचाने तक नहीं आया। नहीं, मैं देख रहा हूँ आपके भी गुर्दों में गर्मी बहुत है चाचा जी। बेटा गुर्दों में गर्मी होएगी, घी खाए है ना, पुराना वाला घी जो बताया करते थे हमारे दादाजी, पुराना घी खाए। जलवे हैं आपके भी चाचा जी? जलवे तो होएंगे यार, पुराने चावल जो ठीक। जब नौकरी पे आप थे, एक बार गेस्ट हाउस के पास किसी की शादी वादी थी। अच्छा, तो आपको लोगों ने हौंका कुछ, मतलब हौंक दिया था, क्या कारण है कुछ? गेस्ट हाउस में जिसका प्रोग्राम था, अपना दोस्त था, उसने बोला बेटा लौंडे की शादी है, भैया जरा यार गेस्ट हाउस में लाइट तो है लेकिन उसके यहाँ मीटर नहीं लगा, उसने पूरी लाइट एट सेट करा ली, मीटर नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक, सामने कटिया फंसा लेना। अच्छा। तो यार उसने कटिया फंसाई, और शाम को यार जब जयमाल पड़ रहा दबिश पड़ गई। हाँ, तो हम जाके कटिया खींच दी, कटिया खींच तो दी, और अंधेरे में यार जो दूल्हा था उसको साली अच्छी लगती थी शुरू से। अच्छा। बीवी को ना पहना, उसने साली पहना के ब्याह कर लिया, उस चक्कर में पहले हम गए, साला साली को भी ले गया, उसके चक्कर में हमको परिवार गया। हमें यार पब्लिक ने बुरी तरीके से लिया यार, आज भी वो दर्द कभी कभी महसूस कर लेते। अच्छा, जब पुरवैया चलती है तब। सही। चाची भी देगा, वो भी आपको हमको हौंक देती है कभी कदार, क्या बात है? हौंक देती क्या मतलब है? उनको पता चला था कुछ घर में कार्यक्रम था, संगीत की रसम वसम क्या घर में धान रही थी चल रही थी, तो चाची ने बता रही सिलवट्टा लेके दबड़ा ली थी आपको। अरे यार छोड़ो ये बात, नहीं बताएं, आगे बोलो। अब थोड़ा बताइए तो। अरे बेटा, अच्छा एक काम करो यार, दिमाग ना खराब करो। अरे बताइए बताइए। अरे तो फिर सुनो यार, धान रेती चल रही थी तो माए चाची यार बगल से अपने मित्र को इनवाइट करके आए कि प्रोग्राम है शाम को घर आना, महिला मित्र को। महिला मित्र को। तो आप करने वहाँ क्या गए थे? अरे यार वो हमारी पुरानी सेटिंग थी, आ गई बड़ा मटक के डांस कर रही थी यार, उसको देख के तो यार हम भी उत्साहित हो गए,
इशारेबाजी हो गई थी, हम पहुंच गए वहीं। चाची बट्टा पता नहीं उनका कोई कार्यक्रम होता है वहीं, हिलबट्टा हिलबट्टा सब चल रहा था, कर रही थी यार। उनने हमारी निगाह और उसकी निगाह को पढ़ लिया, फिर उसी में उनको मोहल्ले में भी किसी मुंडन का बदावा जा रहा था ठेले पे, वहाँ भी आप कुछ ऐसे कुछ हुआ, वहाँ भी चाची आ गई आपको हौंकने के लिए, वहाँ क्या हो गया था? पड़ोस का मामला हर जगह रहता है यार। नहीं रहता तो है, लेकिन चाची मारने आ गई, मतलब कुछ तो कांड किया ही होगा आपने। अब वो लेडीज को कुछ जो बीट उसको बार बार बता रही थी कि ये वाली बजाओ ये वाली बजाओ, वो सुन नहीं पा रहा था। तो हमने कहा जो रुको हम बजवा रहे हैं, तो हमने उससे कहा ये वाली बजाओ। और यार तुम्हारी चाची वहाँ खड़ी थी, आंगड़ा लेके कांटी जी को गोदी में लेके आप नाचे थे, डंडा छुटा हमें बजाना चालू कर दिया यार। क्योंकि हर महीने चाची थोड़ा सा आपका ख्याल रखती, मालिश कर यार, हर 15 दिन नहीं होने पाते भाई, बहुत दर्द देती हैं चाची। 15 दिन हो नहीं पाते हैं, पहलम पहली चालू कर देते हैं। चाचा जी हमने ये सुना है कि बिजली विभाग वालों से ये दारू के ठेके वाले दारू के पैसे नहीं लेते हैं, ये क्या बात है इसमें? अगर वो हमारे संग बदतमीजी करेंगे, फ्री में दारू नहीं पिलाएंगे, तो हम लगा कंचा तार काट देंगे बेच ले। जब पिए ठंडी नहीं होगी तो पीछे कहाँ से? ये बात भी सही है, वही सब बातें हैं। अच्छा पुलिस वालों से ऐसा क्या? पुलिस वाले भी देखा बिजली वालों का चालान नहीं काट रहे हैं आजकल? सही पकड़े हैं। उनका अगर चालान, अगर वो हमारा चालान काट देंगे तो हम उनका चालान नहीं काट देंगे। पूरी थाने की लाइट गुल जितनी है सब खत्म, गुल बत्ती गुल। चाचा जी ये बताइए, आप जिस साल आप रिटायर हुए थे, हाँ रिटायरमेंट डीजे वीजे लगा था, हाँ आपको चाची ने उस दिन भी हौंका सबके सामने, तो नाचने वाली बेहतरीन बुलाई थी, और हमारा कुछ पुराना तालुका भी था, अगर जबरदस्ती करके हमने ले गए नागे नाग टीणी नी 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 नाच रही थी, तो हम भी यार वहाँ नाचने लगे। और तुम्हारी चाची तो तुम जानते हो, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए। अच्छा करके दिखाइए जरा, क्या करके दिखाए यार? फिर चाची तो नहीं बुला के खड़ा कर दिया यूँ पिलवा? चाची नहीं है पक्का? नहीं नहीं ये फंस गया, ऐसे नाच रहे हैं। क्या बात है यार, एसी लगवाओ, बिजली का पूरा बारदाना हमारे ऊपर छोड़ दो। अब की आए तो एसी मिलनी चाहिए, और एसी ना मिली तो 2 मिनट में तुम्हारे बीसी सेंटर की बत्ती गुल करा दे। अभी भी ये ना सोचना कि हम रिटायर हो गए हैं, हम अभी भी इतना जज्बा है कि हम एक फोन कर देंगे चेला चपाटी तुरंत कहीं चा मार देंगे तुम्हारी लाइन। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम। हाँ गर्मी लग रही है यार, बड़ा दिक्कत हो जाती है, एक तो बुजुर्ग आदमी कही जाए यार। आपको अभी ठंडा पिलाते हैं। बिल्कुल, इतना ठंडा ना पिलाना कि हमें ठंडे हो जाए। चटका लाल जी आज हमारे साथ इंटरव्यू में थे, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।